नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है। रिसेंट में कंपनी ने कैपेक्स करे और ये एक पैनी मल्टीवेगर स्टॉक है जिसका कैपेबिलिटी है करेंट प्राइस से लगभग लगभग 500% तक के भी रिटर्न्स देने के। तो एपिसोड में आगे बढ़ें इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लें जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी और लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, जिस स्टॉक का हम बात करने वाले थे वो स्टॉक है उदयपुर सीमेंट। यहाँ देखेंगे इस समय स्टॉक नियर अराउंड 36 के प्राइस पे ट्रेड होते दिख रहा है। इस स्टॉक के पिछले 1 मंथ के रिटर्न काफी बेहतर रहे हैं। स्टॉक ने 15% का उछाल दिखाया। वहीं अगर पिछले 1 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो 1 ईयर में भी स्टॉक ने 50% के रिटर्न दिए और अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म करा। इस समय सबसे पहले इस स्टॉक के नंबर्स को देखें। इससे पहले एक बात मैं बता दूं कि रिसेंट में ही इस स्टॉक के क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं। यहां देखेंगे कि वी हैव टू इन्फॉर्म यू दैट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे दैट इज 26 अक्टूबर इंटर आलिया टू कंसिडर एंड अप्रूव द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड हाफ क्वार्टर इंडेड 13 सितंबर 2023। यानी आज जो है, आज है 20 अक्टूबर। आज कितना अक्टूबर है? 20 अक्टूबर, और 26 को रिजल्ट आने वाले हैं। तो थोड़ा रिजल्ट से पहले बड़े क्वांटिटी के साथ जाने से बचेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि ये एक मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा और उसके पीछे के क्या कारण है उसको समझेंगे। और एक और बड़ी खबर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दूसरी खबर इसके कैपेक्स को लेकर के है। ये इसका ही देखेंगे, उदयपुर सीमेंट वर्क्स एंड लिमिटेड, वी आर प्लीज टू अनाउंस एज अ पार्ट ऑफ कंपनी ऑन गोइंग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट द कमिश्निंग ऑफ आवर सेकेंड क्लिंकर लाइन ऑफ 150 मिलियन टन्स 1.50 मिलियन टन्स पर एनम एट आवर इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट इन उदयपुर राजस्थान। विद दिस कंपनी हैज डबल इट्स क्लिंकर कैपेसिटी टू 3 मिलियन टन्स पर एनम। अमूमन जो फंडामेंटल निवेशक हैं उनको चाहिए कि कौन सा कंपनी कैपेक्स कर रहा है, और उन सभी कंपनियों को वो एक वॉच लिस्ट बनाते हैं और ऐसे कंपनियों से ही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करके एक बड़ा पैसा बनाते हैं। तो हमने देखा ये कंपनी कैपेक्स कर रही है, एक बार इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे। यहाँ कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो फंडामेंटल देख करके ये पता चलता है कि कंपनी काफी छोटी है। इस समय नियर अराउंड 2000 करोड़ की कंपनी है। बुक वैल्यू 6 के आसपास है और 5 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रही है और अमूमन ऐसे देखने को मिला है। यहाँ देखेंगे क्योंकि ये माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है जिसके कारण पीई आपको हायर दिख रहा है और कंपेरेटिवली आरओसी आरओई भी बेटर देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग 75% है और रिटर्न जो है 3 मंथ में कंपनी ने 38% के मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं तो जब छोटे कंपनी में हम निवेश करते हैं और उसके प्लेस शेयर बिल्कुल नहीं होते हैं तो ये अपने को एक और भी अच्छी बात लगती है। इस समय कंपनी 4 के फेस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है और 20 के लो थे और 38 के हाई थे, यानी लोअर लेवल से नियर अराउंड 1 ईयर में स्टॉक ने 100% तक के रिटर्न्स दिए हैं। 2000 करोड़ का मार्केट कैप और 1000 करोड़ के कंपनी सेल्स कर रही है। प्रॉफिट वर्सेस 3 ईयर्स को देखेंगे तो लगभग 32% के आसपास का दिख रहा है। यानी जो फंडामेंटल नंबर्स है वो काफी बेहतर है। पर एक बार कंपनी के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये कंपनी 1993 में स्टेब्लिश हुई थी। यहाँ देखेंगे कि 15 मार्च 1993 को ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी और रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? जयपुर राजस्थान के अंदर। द कंपनी प्रेजेंट सब्सिडरी किसका है? ये जेके लक्ष्मी सीमेंट का सब्सिडरी है और गांव घर में तो जेके लक्ष्मी सीमेंट एक मोनोपोली की तरह है। काफी अच्छे सेल्स हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ रिप्यूटेड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट जेके ऑर्गेनाइजेशन विच हैज रिच बिजनेस लेगेसी ऑफ मोर देन 135 ईयर। और उदयपुर सीमेंट वर्क लिमिटेड है वो प्लेटिनम हेवी ड्यूटी सीमेंट के नाम से भी जो है अपना ब्रांड बेचती है। और इसके अलावा देखेंगे
तो इसके एक दूसरे नाम हमने कहा, यहाँ देखेंगे कि प्लेटिनम हेवी ड्यूटी सीमेंट। और इस कंपनी का जो बड़ा व्यापार है वो मेनली बड़ा व्यापार कहाँ है, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान। वेस्टर्न के अंदर देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। और ईस्टर्न के अंदर देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यानी ओवरऑल पूरे देश में ही इस कंपनी के कार्य हैं। द कंपनी हैज ऑल्सो स्टार्टेड क्रॉस सेलिंग सीमेंट ब्रांड्स अंडर JKCL एंड इट्स सब्सिडरी UCWL टू रेजिंग डिमांड फ्रॉम नियर बाई एरिया एंड रिड्यूस फ्रेट कॉस्ट। ये तो क्रॉस सेलिंग तो हर कंपनी में दिखता ही है। सीमेंट से कंपनी के रेवेन्यू कितने हैं, 86% और 14% अदर थिंग्स से कंपनी रेवेन्यू करता है। पेरेंट कंपनी जो इस कंपनी की है वो हमने आपको दिखाया कि लीडिंग कंपनी जेके लक्ष्मी सीमेंट है, जिसका होल्डिंग 72% है। और मुझे लगता है कि पेरेंट कंपनी भी एक बेटर कंपनी है, और ऐसे पेरेंट्स कंपनी की जो सब्सिडरी होती है वो भी काफी बेहतर परफॉर्म करती है। इसके साथ ही एक बड़ी चीज मैं इस स्टॉक में आपको दिखाऊं, किस कंपनी ने करा है कैपेक्स के एक्सपेंशन। यहाँ देखेंगे उदयपुर सीमेंट वर्किंग लिमिटेड इज अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट टू सेटिंग अप एडिशनल क्लिंकर, वो हमने दिखाया 1.5 मिलियन टन यूनिट को जो है 3 मिलियन टन के आसपास कर रही है। और यहाँ देखेंगे विच इज इनविसेग्ड टू बी फंडेड बाय डेट ऑफ 1100 करोड़, और जिसमें 400 करोड़ जो है इक्विटी के थ्रू कंपनी ने फंड रेज करे हैं। और इस कैपेक्स से कंपनी अपने जो कंपनी के प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ क्या पाएंगे, इसके अलावा भी मैं आपको दिखाऊं तो आगे आप पाएंगे कि कंपनी के जो नंबर्स रहे हैं, क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे तो 2020 से लेकर के 2023 में लगभग 3 ईयर में कंपनी ने अपने सेल्स को कर लिया है डबल। इसके साथ ही अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ प्रॉफिट थोड़ा इंपैक्ट दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहां 20% हुआ करता था, इस समय 11% रहा है, जिसके कारण नेट प्रॉफिट एज इट इज पुराना ही आपको दिख रहा है, क्योंकि ओपीएम में जो है 10% की गिरावट, 50% की गिरावट दिखी है। तो क्या ये गिरावट इसी स्टॉक में है, या इसके लीडर स्टॉक में भी है, या सेक्टर में है, इसको समझने की जरूरत है। तो हम चलते हैं अंबुजा सीमेंट पे। अब यहां हमने अंबुजा सीमेंट को फाइंड आउट करा। अंबुजा सीमेंट के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो 2012 के आसपास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था वो 25%, और इस समय इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 13%। यानी ये उदयपुर सीमेंट वर्किंग लिमिटेड का नहीं कंसर्न है, ये पूरे सेक्टर के कंसर्न है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लेकर के ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब अगर इस कंपनी के ईयरली सेल्स को देखेंगे तो 2014 तक कंपनी का सेल्स था जीरो, और उसके बाद कंपनी ने देखेंगे तो लगभग 10 टाइम्स 27 करोड़ से 1000 करोड़ तक के सेल्स करे। इसके साथ ही प्रॉफिट भी देखेंगे तो नियर अराउंड जो है ऑल टाइम हाई के आसपास ही प्रॉफिट दिख रहा है। और इस प्रकार के क्वार्टरली नंबर्स बताते हैं कि कंपनी के अंदर काफी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा जो कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर ने भी लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर के कंपेरेटिवली 3% के होल्डिंग बढ़ाए हैं। पब्लिक के पास 25% के आसपास, और 75% जो है वो प्रमोटर होल्ड कर रही है। इसके अलावा अगर टेक्निकल देखेंगे तो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म करा। जहां निफ्टी इंफ्रा जो है 20% के रिटर्न दिए, इस स्टॉक ने 64% के रिटर्न दिए हैं। और अगर इस स्टॉक को देखेंगे तो पाएंगे कि कंटिन्यूअस ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है। पिछले 1 ईयर से काफी आउट परफॉर्मिंग कर रहा है। और एक बार इस स्टॉक के डिलीवरी को देखेंगे तो पाएंगे कि मल्टीबैगर डिलीवरी 44% से लेकर के 60% तक के डिलीवरी भी दिखे हैं। फाइनेंशियल बेटर है, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़िया है, कंपनी कैपेक्स कर रही है, सेल्स में 10 टाइम्स के इजाफा दिखे हैं। अब इस स्टॉक के देखेंगे कि इस स्टॉक में जो चार्ट है वो चार्ट क्या कहता है। इस स्टॉक के चार्ट को ओपन किया, और ये मंथली चार्ट है क्योंकि वाइडर रेंज एंगल को हम देखेंगे। और यहाँ अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कब बना और ये हैंडल बना, और ये हमको कप एंड हैंडल का पैटर्न दिख रहा है। और दूसरा ट्रेंड देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन था, एक बार इसको ब्रेक डाउन तो किया
और उसके बाद देखेंगे कि हायर हाई हायर लो का ट्रेंड दिख रहा है, यानी जो दो ट्रेंड इस स्टॉक में दिख रहे हैं वो दोनों ही पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहे हैं। अब इस स्टॉक के ट्रेंड के हिसाब से भी अगर टारगेट देखेंगे, क्योंकि पहला क्या है यहां से ये और ये, तो इसको देखेंगे, ये कप हो गया और ये कंपनी का, सॉरी ये कप हो गया, ये हैंडल हो, सिंपल देखेंगे तो पाएंगे इस स्टॉक में कि ये जो है ये कप हो गया और ये हैंडल हो गया। और टेक्निकली अगर कप एंड हैंडल के टारगेट को भी देखेंगे तो इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो पहला टारगेट है वो ये जो दिख रहा है, ये पहला टारगेट हमारा आएगा जो नियर अराउंड 46 के आसपास का है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर का ये टारगेट हो सकता है। और दूसरा टारगेट देखेंगे तो जो 447% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं अपने लोअर प्राइस से, और इसको यहां से लेंगे तो नियर अराउंड 60 तक का टारगेट दिख रहा है, यानी डबल के इजली टारगेट टेक्निकल भी दिख रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक 500% तक के रिटर्न भी मल्टीपल स्टॉक ने दिए हैं। तो ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं।